हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सब अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज जो ये हमारी वीडियो है, इसमें हम BEVAE 181 जो ये हमारा सब्जेक्ट कोड है, हमारे ये EVS का एग्जाम होता है। तो जो एग्जाम हमारा ये हुआ था फरवरी 2021 में, एक्चुअली हुआ क्या था कि ये जो ये वाला पेपर था ये दिसंबर 2020 में होना था, लेकिन ड्यू टू कोरोना ये जो ये वाला एग्जाम था ये फिर फरवरी 2021 में हुआ था। तो देखिए, आज इस वाली वीडियो में हम इस बार मतलब इन क्वेश्चनों का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। इन हिंदी मीडियम यहाँ पे बाइलिंगुअल दिया गया है, तो आप यहाँ से उसको भी जान सकते हो कि कौन से का कौन सा आंसर आएगा। तो मैंने जहाँ यहाँ पे मैं जो आपको आंसर बता रही हूँ, आप इस पे इजिली बिलीव कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ पहले भी कि मैं बिल्कुल सर्च करके ही मतलब बिल्कुल आपको एक्यूरेट रिजल्ट ही देने की कोशिश करती हूँ, और मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल ठीक आंसर मैं आपको बताऊंगी जो ये 50 क्वेश्चन हम करेंगे उन सब के। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या पुस्तक में धारणीय सतत विकास को सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, साइलेंट स्प्रिंग, द लिमिट्स टू ग्रोथ, ओवर कॉमन फ्यूचर या एजेंडा 21। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हमारा थर्ड ऑप्शन आएगा, ओवर कॉमन फ्यूचर। ये दिया गया था, इसको सबसे पहले मतलब जो सतत विकास है इसको सबसे पहले औपचारिक रूप से जो ये थी ओवर कॉमन फ्यूचर, तो ये एक रिपोर्ट थी, जो ये रिपोर्ट थी 1987 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1987 में। ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रिपोर्ट कब दी गई थी, तो 1987 में दी गई थी। और ये जो रिपोर्ट थी ये विश्व आयोग ने प्रकाशित की थी। किसने दी थी? विश्व आयोग जो था उसने पर्यावरण व विकास को ध्यान में रखते हुए ये वाली रिपोर्ट प्रकाशित की थी 1987 में। और कौन सी रिपोर्ट के अंतर्गत? ओवर कॉमन फ्यूचर के अंतर्गत। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे थर्ड। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए स्थिरधारणीय विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे इसको बोल्ड भी किया गया, जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जो ये यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, गरीबी की समाप्ति, भूख की समाप्ति, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, पर्यटन और यात्रा। तो देखिए, जो पहले तीन ऑप्शन हैं वो स्थिरधारणीय विकास के लक्ष्यों में हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर फोर है पर्यटन और यात्रा, ये इन लक्ष्यों में नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो हम नहीं बता रहे हैं कि जो पर्यटन और जो यात्रा है वो जो 17 धारणीय विकास जो लक्ष्य बनाए गए हैं उनके अंतर्गत ये नहीं आता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव परिवर्तित पर्यावरण का उदाहरण है, कि ऐसा कौन सा एक पर्यावरण है जिसको मानव ने चेंज करके बना दिया है, ऐसा यहाँ पे कौन सा एनवायरमेंट है। तो देखिए, कृत्रिम झील दिया गया है, फलो उद्यान, फसल के खेत और बांध। तो जो हमारा आंसर यहाँ पे फोर्थ है, बांध, मतलब आप सबको पता है डैम, उसको तो मानव ही बनाता है। इसके अलावा देखिए, जो ये तीन ऑप्शन है, कृत्रिम झील, फलो उद्यान, फसल के खेत, ये तीनों जो हैं ये तो प्राकृतिक पर्यावरण है, क्योंकि जो इनका निर्माण है वो हमारी प्रकृति ने ही किया है, हमारे नेचर ने ही किया है। लेकिन जो बांध है वो मानव परिवर्तित पर्यावरण का एक एग्जाम्पल है। तो देखिए, यहाँ पे थर्ड का हमारा आंसर हो जाता है फोर्थ। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। देखिए, यहाँ पे भी नहीं वाला क्वेश्चन दिया गया है, इस पर थोड़ा सा फोकस रखना, क्योंकि आज के टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं, कि मतलब आपको ताकि बच्चे के माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रक्ट हो जाए और वो गलती करने की कोशिश करे। तो देखिए, यहाँ पे हम नहीं पे फोकस करेंगे कि वन महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं वन। तो देखिए, मृदा निर्माण भी करते हैं वन, जल संरक्षण भी करते हैं और जलवायु को भी संतुलित रखते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन जो वन है वो नहीं करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ह्यूमन बींग छोड़ते हैं, मानव छोड़ते हैं, और जो
वन होते हैं या जो पेड़ पौधे होते हैं वो सब तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से विश्व के कौन से क्षेत्र में 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर ए है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वहां पे ही 50% से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, क्योंकि आप दिख रहा होगा कि वर्षावन, जहाँ पे वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जो स्पीसीज हैं प्लांट्स की तो वो बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में पाई जाती हैं, इवन 50% ज्यादा और दूसरे वनों की कंपैरिजन में। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वनों में से किन में अधिकतम छत्रांगिनी होती है? तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट आंसर है, सघन वन जो होते हैं उनमें अधिक छत्रांगिनी पाई जाती है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि अपशिष्ट निपटान स्थलों के पास रहने वाले समुदायों को अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले समुदायों से कम आर्थिक लाभ मिलते हैं। यह वाक्य निम्नलिखित में से कौन से असमानता को व्यक्त करता है? तो यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा है भौगोलिक असमता, कि जो लोग रह रहे हैं, जो उनका मतलब जो उनका ज्योग्राफिकल जो उनकी मतलब जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे इस डिसइक्वालिटी को शो कर रहा है, यहाँ पे ज्योग्राफिकल डिसइक्वालिटी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय में प्रबंधकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है? देखिए ये क्वेश्चन भी नहीं वाला है कि किसमें किस समुदाय में प्रबंधकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है। देखिए यहाँ पे टिपिकल लैंग्वेज दी गई है कि हमें को बताना नहीं होता है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर फर्स्ट है शहरी समुदाय, इस शहरी समुदाय में प्रबंधकर्ता का प्रबल बोध नहीं होता है। बाकी जो ये 3 है, जनजातीय समुदाय, पारंपरिक कृषि समाज और पशुचारण समुदाय, तो इन तीनों में तो समुदाय में प्रबंधकर्ता का प्रबल बोध होता है, लेकिन जो शहरी समुदाय है उसमें इसका बोध नहीं होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मत प्रकृति को माँ के रूप में और जिसे साधित नहीं किया जा सकता मानता है? देखिए ईवीएस बुक में अलग अलग मत दिए गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे वो पूछा गया कि कौन सा मत है जो प्रकृति को माँ के समान मानता है और जिसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा मानने वाले हमारा भारतीय मत ही है जो प्रकृति को माँ के रूप में मानते हैं और उसको पूजते भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जल चक्र को संचालित करता है कि जल चक्र को संचालित कौन करता है? तो यहाँ पे जो मेन है वो हमारा सूर्य है, सूर्य ही जल चक्र को जो वाटर साइकिल होता है उसको प्रोग्रेस देता है, क्योंकि यदि सूर्य नहीं होगा तो पानी के जलवाष्प नहीं बनेंगे और पानी का जो वाटर साइकिल है वो अच्छे से प्रोसेस में नहीं आ पाएगा। तो जो जल चक्र को कौन संचालित करता है, तो इसको सूर्य ही संचालित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है रसायन संश्लेषी जीवाणु कौन है, या जो रसायन संश्लेषी जीवाणु है वो कौन होते हैं? तो जो स्वपोषी होते हैं मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो सब जो जीवाणु होते हैं वो रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। आपको पता होगा स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, औसत समुद्र स्तर से ऊपर 10 मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 9000 मीटर के बाद जीवन नहीं पाया जाएगा। यदि हम समुद्र के अंदर जा रहे हैं तो एक लिमिट होती है 9000 मीटर के बाद आगे जो जीवन है वो नहीं पाया जाएगा। समुद्र की यदि हम बात करें उसकी गहराई को नापे तो औसत जो समुद्र स्तर से ऊपर जीवन नहीं पाया जाएगा। चलो देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है वो 13 कि पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन डैश के द्वारा होता है। यदि हम अपने इकोसिस्टम की बात करें तो जो मतलब जो प्लांट या एनिमल होते हैं, जो जीव होते हैं, यदि वो मर जाते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन कैसे होता है? तो देखिए जो विघटक होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, उन्हीं के द्वारा जीवों का अपघटन होता है हमारे इकोसिस्टम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कि 10,000 बीसी और लगभग 1800 एडी के बीच जनसंख्या में वृद्धि डैश के साथ मेल खाती है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा कृषि में वृद्धि है कि जैसे जैसे कृषि में वृद्धि हुई थी उसके साथ साथ ही जनसंख्या में भी वृद्धि हुई थी, तो उसकी यहाँ पे इस तरीके से इसको दिखाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि 14वीं शताब्दी में यूरोप और एशिया में आधे से अधिक जनसंख्या के मारे जाने का कारण क्या था। तो देखिए जो बुबोनिक प्लेग था, ये प्लेग फैला था 14वीं शताब्दी में, तो इसके वजह से जो ये बुबोनिक प्लेग था इसकी वजह से आधे से ज्यादा जनसंख्या मारी गई थी यूरोप और एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है। तो जो मलेरिया होता है ये एक अनुवांशिक रोग नहीं होता है, हीमोफीलिया भी हेरिडिटरी है, द्रात कोशिका अरक्ता भी हेरिडिटरी है और थैलेसीमिया भी हेरिडिटरी है, बट जो मलेरिया है वो जो रोग होता है ये हेरिडिटरी नहीं होता है, अनुवांशिक नहीं होता है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 17 है ये हमारा मैचिंग का है। तो देखिए फर्स्ट इसमें तो पर्यावरणीय प्रभाव दिए गए हैं और यहाँ पे इसको कैटेगराइज किया गया है कि ये कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है। तो देखिए जो जहर है, जो फर्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो देखिए जहर जो है वो एक रसायन होता है, ये एक केमिकल होता है, तो मतलब फर्स्ट का फोर्थ। तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस में दिया गया है, अब हम आगे देखते हैं। जो शोर होता है ये एक भौतिक प्रोसेस होती है, तो मतलब यहाँ पे शोर का मतलब बी का ए, तो मतलब जैसे बी का ए यहाँ पे, तो मतलब आंसर तो यही हो गया है। इसके अलावा भी हम आगे देख लेते हैं, जैसे कि भीड़ भाड़ है, तो भीड़ भाड़ जो है वो समाज विज्ञान संबंधी है और जो अलजर्म्स होते हैं वो जीव विज्ञान संबंधी होते हैं। तो मतलब जो 17 क्वेश्चन है इसका हमारा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। जहर जो होता है वो एक रासायनिक होता है, शोर जो होता है वो भौतिक होता है, भीड़ भाड़ जो होती है वो समाज विज्ञान संबंधी होती है और जो अलजर्न या प्रत्युजक होते हैं वो जीव विज्ञान संबंधी होते हैं। ये हमने अपने 17 क्वेश्चन कवर अप कर लिए हैं। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, जो कि देखिए क्या है, शंकुधारी जो वृक्ष वन होते हैं उनमें जो मृदा होती है, मतलब जो मिट्टी होती है वो किस टाइप की पाई जाती है, ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। तो देखिए शंकुधारी जो वृक्ष वन होते हैं तो उनमें जो मृदा होती है वो अम्लीय तथा खनिज की कमी वाली होती है, मतलब उसमें अम्ल और खनिजक जो मात्रा होती है वो बहुत ही कम होती है, इसी वजह से जो वृक्ष होते हैं वो शंकुधारी कोन शेप के होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे जीव जो जड़ जमाए पौधों के तने और पर्वतियों से संलग्न रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब कि वो अपने, मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी पेड़ के ऊपर एक बेल सी फैल जाती है बहुत ज्यादा, मतलब उसी को ऐसे वो होते हैं कि जो पेड़ खुद से जमे हुए हैं, जो खुद से ही मतलब उगे हुए हैं, उनके तनों या पत्तियों में वो बिल्कुल मिल जाते हैं, तो ऐसे जो जीव होते हैं इनको हम प्रीपादप कहते हैं, मतलब ये डिपेंड रहते हैं इस पौधे के ऊपर और बिल्कुल इस पौधे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं, तो इनका क्या कहते हैं, इनको हम प्रीपादप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि महासागर के जिस मंडल में तापमान, प्रकाश, लवणता तथा आर्द्रता सबसे अधिक प्रभावशील होती है, तो वह कौन सा मंडल है। तो देखिए वेलांचली मंडल जो होता है इसी में सबसे ज्यादा तापमान, प्रकाश, लवणता और आर्द्रता सबसे ज्यादा इसी में चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ज्वार नंदमुख एक संक्रमण क्षेत्र है होता है जो डैश का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो 21 का हमारा आंसर है वो हमारा फोर्थ है, बेजोड़ पारिस्थितिकीय लक्षणों तथा जीवीय समुदायों का। देखिए जो ज्वार नंदमुख होता है ये इसमें बहुत सारा खारा पानी होता है और ये केरल और सुंदरवन में बहुत सारे पाए जाते हैं और ये क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है जिसमें खारा पानी पाया जाता है और जिसमें बहुत सारे बेजोड़ या अद्वितीय जिसमें इकोसिस्टम टाइप से मतलब बहुत सारे लक्षण होते हैं, बहुत सारे जीव या समुदाय यहाँ पे रहते हैं और मोस्टली ये केरल व
सुंदरवन में, सॉरी केरल के सुंदरवन में पाए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन या वन कटाई का प्रमुख कारण है? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे वन में आग के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे कई जगह दिखाया गया है कि स्थानांतरण के कृषि के कारण भी वन कटाई जो है वो उसका मुख्य रीजन है। तो इस क्वेश्चन में को लेके मेरे को यहाँ पे डाउट है, तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे दो ऑप्शन हम लेके लिखे जा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और थ्री। इस क्वेश्चन को आप देख लेना एक बार, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो ए ऑप्शन ही होगा, वन में आग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। यात्री कबूतर किसके कारण प्रजाति का ह्रास का आदर्श उदाहरण है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है खाद के लिए चयनात्मक विनाश, कि खाद खाने के लिए ही जो यात्री कबूतर हैं उसकी प्रजातियों का लगातार ह्रास होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कि मछली एवं चावल की फसलों की अत्यधिक हानि करने वाला जो खरपतवार है तो वो कौन सा है? मछली और चावल की जो फसल है उसकी बहुत ज्यादा उसमें खरपतवार पैदा हो जाते हैं, तो वो क्या है? तो जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है जलकुंभी, उसको हम जलकुंभी भी बोलते हैं लोकल में यदि हम बोले तो जलकुंभी या जलकुंभी जो होता है वही उसकी वजह से मछली और चावल की फसलों में अत्यधिक हानि करने वाला खरपतवार है ये, इसी वजह से बहुत ज्यादा हानि इन दोनों फसलों को उठानी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, कृत्रिम वीर्य सेचन डैश के संरक्षण के लिए उपयोगी रहा है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो होगा हाथियों के लिए ये बहुत ज्यादा ही संरक्षण रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता नहीं है? तो देखिए बड़ी संख्या में विदेशी प्रजातियां जो ये है ये जैव विविधता हॉटस्पॉट की ये विशेषता नहीं है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है तो इस वजह से हम नहीं बता रहे हैं। इसके अलावा जो ये तीन है ये तीनों ही जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? तो जो पश्चिमी घाट है वो वही जैव विविधता का भारत में हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत में निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अनुवांशिक विविधता पाई जाती है? तो देखिए आप सबको पता होगा कि जो आम है, आम की जो फसल होती है इसमें बहुत सारी वेराइटीज हमको या बहुत सारी स्पीशीज हमको देखने को मिलती है आम की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल की अधिकतम प्रतिशत उपलब्धता होती है, कि कौन सा जल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो भौम जल होता है, जो भूमिगत जो जल होता है, जो धरती के अंदर जो पानी पाया जाता है वही सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है हमारे इस अर्थ में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में किस एक में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो देखिए जो प्रवाल भित्तियां हैं इन्हीं में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ये इकोसिस्टम होता है एक प्रवाल भित्तियां, और इसी में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला कितना जल हम सबके लिए आसानी से या सहजता से उपलब्ध है? तो सिर्फ 1%, 1% ही जो जल है वो आसानी से हमको मिल जाता है या जो हमारे पीने के लायक होता है वो सिर्फ 1% जल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कि भारत में वह मृदा जिसमें कार्बनिक तत्वों की कमी होती है और जिसकी उर्वरता कम होती है तो वह कौन सी मिट्टी है? तो वह मिट्टी है मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा, जिसमें कि जिसकी उर्वरक शक्ति बहुत भी कम होती है और इसमें कार्बनिक तत्व नहीं पाए जाते हैं या बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो वह मरुस्थलीय क्षेत्र की मृदा होती है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए उपयुक्त नहीं है? तो जो कुल यहाँ पे दिया गया है ये एक तरीका नहीं है, इसके अलावा बांध बनाना, घास पात से ढकना, मृदा की आर्द्रता का संरक्षण, ये तीनों जो हैं
ये हमारे मृदा अपरदन को रोकने के तरीके हैं, लेकिन जो कुल यहाँ पे दिया गया है ये कोई तरीका नहीं है मृदा अपरदन को रोकने का। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को पहचानिए कि यहाँ पे कौन सा परंपरागत स्रोत होता है ऊर्जा का। जो परमाणु ऊर्जा है वही परंपरागत स्रोत होता है ऊर्जा का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। एक बायोमास गैसीफायर रूपांतरित करता है, जो कि बायोमास होता है वो किसको चेंज करता है। तो देखिए ये ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में बदल देता है। जो बायोमास होता है वो ठोस ईंधन को ये गैसीय ईंधन में चेंज कर देता है, जो बायोमास होता है वो। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है, तो जो हाइड्रोजन जो है वो ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन होता है हाइड्रोजन। ना देखिए क्वेश्चन नंबर 37। जैव भौतिक धारण क्षमता वह डैश जनसंख्या है जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर ग्रह के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर होगा हमारा अधिकतम, की जो जैव भौतिक जो धारण क्षमता होती है वह एक अधिकतम जनसंख्या है। कैसी है? अधिकतम जनसंख्या ये होती है जैव भौतिक धारण क्षमता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो जो क्लोरीन होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, जल वाष्प ये सारे क्या होते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस में आते हैं, लेकिन क्लोरीन हमारा नहीं आता है ग्रीन हाउस गैस में, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो हमारा क्लोरीन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। ये यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल से सम्मेलन दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तो देखिए जो ये स्टार्टिंग के जो तीन जो ये दिए गए हैं प्रोटोकॉल या फिर सम्मेलन, ये तीनों ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, या ये संबंध रखते हैं जलवायु परिवर्तन से ही। लेकिन जो फोर्थ है मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये तो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जो ये बाकी के तीन है ये तीनों जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित है। तो जो फोर्थ ऑप्शन हमारा है यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जो ये जो जो ये प्रोटोकॉल है ये हमको ओजोन परत की सुरक्षा के बारे में बताता है, या उसी के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। वायुमंडल के निम्नलिखित किस प्रास में ओजोन परत उपस्थित है। तो देखिए 15 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच जो एरिया आता है उसी एरिया में ओजोन परत उपस्थित है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कि वर्षा का पीएच निम्नलिखित चार स्थानों दिए गए हैं यहाँ पे क्या खै गै घ पर मापा गया है। किस स्थान पर अम्ल जो निक्षेपण होता है, तो किस स्थान पर वो होता है। तो देखिए जो फर्स्ट हमारा आंसर है यहाँ पे 5.5, मतलब 5.5, तो इसी स्थान पर जो अम्ल होता है उसका निक्षेपण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन ओजोन ह्रास के लिए उत्तरदायी है। आप सबको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है उसी की वजह से ओजोन जो हमारी लेयर है उसका लगातार वो कम होती जा रही है, मतलब उसमें एक होल सा धीरे धीरे होता जा रहा है ओजोन लेयर में ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अत्यधिक सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है। तो जो देखिए जो ऊंट होता है वो सबसे ज्यादा सांद्रित मूत्र का विसर्जन करता है ऊंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के गैर बिंदु या अनिश्चित स्रोत का उदाहरण है। तो देखिए जो फर्स्ट है कृषि क्षेत्रों से होने वाला अपवाह, तो यही ये जो है इसे यही प्रदूषण का एक गैर बिंदु स्रोत है कृषि क्षेत्रों में होने वाला अपवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण जो अधिनियम था वो कब बनाया गया था। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम,
तो जो ये वाला अधिनियम था ये 1981 को बनाया गया था वायु प्रदूषण को कम करने के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 46 है, UNFCCC का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है? तो जो ये वाला जो मतलब डिपार्टमेंट है या जो ये सम्मेलन हुआ था तो ये ग्रीन हाउस गैस के बारे में बताता है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रीन हाउस गैस के बारे में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? देखिए यहाँ पे भी नहीं बताना है। तो जो लैंड फिल निस्तारण है वो अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है, बाकी जो ये तीन विधियां हैं ये तीनों ही अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48, अस्पतालों के विषाक्त अपशिष्टों के निस्तारण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो देखिए जो लैंडफिल निस्तारण जो होता है वो सबसे उपयुक्त विधि है अस्पतालों के, जो मतलब वहां से जो मटेरियल निकलता है, जो वहां से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, जैसे कि मतलब ये टैबलेट्स मतलब जो सीरिंज वगैरह होती है या फिर जो मतलब जो कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं, तो मतलब यदि वो उनको हम ओपन एयर में छोड़ देंगे तो वो रिएक्शन करेंगे और पता नहीं क्या 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 बना देंगे वो हमारे एनवायरनमेंट में। तो इसी वजह से इनको मतलब लैंडफिल मतलब कि बहुत गहरी जमीन खोद के उसके अंदर दाब दिया जाता है ताकि मतलब वो कुछ भी रिएक्शन ना करें हमारे हमारे एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में आने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कि जल स्रोतों में जीवों की उपस्थिति के आकलन के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? तो देखिए ये यहाँ पे हमारी MPN, इसका मतलब फुल फॉर्म देखिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। तो यही सबसे उपयुक्त विधि है कि जल स्रोतों में हम जीवों की जो सॉरी सॉरी जो यहाँ पे जीवों की जो प्रेजेंस है तो उसका आकलन इस विधि के द्वारा किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 50, NBA की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो देखिए जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत ही NBA की स्थापना की गई थी। तो देखिए जो NBA की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसकी स्थापना जो थी वो जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत ही की गई थी। तो देखिए आज ये हमने किया यहाँ पे फुल सॉल्यूशन ऑफ जो हमारा ये पेपर हुआ था, कब हुआ था ये हमारा हुआ था फरवरी 2021 में, बट जो ये हमारा पेपर था ये हमारा होना था दिसंबर 2020 में, ड्यू टू कोरोना ये पेपर हमारा नहीं हो पाया था, डिले हो गया था और फिर ये एग्जाम हमारा जाके फरवरी 2021 में हमारा ये पेपर हुआ था। तो मैंने आज आपको इसका फुल सॉल्यूशन करा दिया है, 50 क्वेश्चनों पे आप बिल्कुल इजीली बिल्ली कर सकते हो, मैंने आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपके आने वाले आगे के एग्जाम में भी आपको हेल्प मिलेगी यदि आप इसको अच्छे से कर लेते हो। तो आपको मतलब जो स्टूडेंट्स आगे पेपर देंगे EVS का, इस वाले कोड का BEV AE 181 का, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है हमको प्रीवियस पेपर्स को लेके यदि हम उनका सॉल्यूशन अच्छे से कर लेते हैं, तो हमको ऑब्वियस ये बात है कि हमको हेल्प मिलती है और हमको एक पैटर्न पता चल जाता है कि हम किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें और कैसे मतलब हमको पेपर करना है। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने आज आपको बताया। इसके अलावा जो हमारे इसके ओल एग्जाम हुए हैं जैसे हमारे फरवरी मतलब सॉरी जो दिसंबर 2021 में हुए हैं, 22 में हुए हैं, 23 में हुए हैं, जून में जो हुआ था, तो मैं आपको धीरे धीरे करके हर एक मैं आपको सॉल्यूशन करा दूंगी, तो इससे आपको जरूर से जरूर हेल्प मिलेगी। तो मेरा मोटिव यही है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो पाए और आप अच्छे से अपनी स्टडी कर पाओ और आप बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर पाओ अपने एग्जाम में। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आपके लिए टॉपिक को बिल्कुल सर्च कर करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए। तो यदि आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रह रही हो, आपको ये लग रहा है कि हाँ भाई हमको हेल्प मिल रही है,
हम जो अपना टॉपिक है हम उसको इजीली समझ पा रहे हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और आप मेरी वीडियो को शेयर भी करें ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, सब अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें और हेल्प के साथ वो अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने गेन कर सके। तो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।